हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर ब्लॉग ऑफ पाक के बी ब्लॉग। सो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बताएंगे कि किस तरह से जो जैपनीज़ गाड़ियाँ जो आप पाकिस्तान की रोडों पे देख रहे हैं आजकल बहुत सारी तादाद में, वो किस तरह से बेसिकली पाकिस्तान में आ रही हैं, उनकी क्या प्राइस होती है, क्या ड्यूटी चार्जेस होते हैं, क्या फ्रेट चार्जेस होते हैं सिंसार, और आप किस तरह से उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो आपको आज हम इस वीडियो में के थ्रू दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप एक अपनी खुद की जैपनीज़ गाड़ी जो है वो मंगा सकते हैं, लो कॉस्ट पे पड़ेगी आपको, कम प्राइस होगी, अच्छी कंडीशन में आप अपनी पसंद से ले सकते हैं गाड़ी। इट्स नॉट लाइक कि आप कोई भी शोरूम से जाके ले लें और आपको चीट कर लें कि हाँ भाई ये वाली गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट नहीं थी, प्रॉपर कंडीशन में आई थी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। सो आपको जो है हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी खुद पसंद से गाड़ी ले सकते हैं, उसको आप खुद से इंपोर्ट करें, खुद से सारे जो पेपर वर्क होते हैं सारे खुद से करें, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। वो आपको बताएंगे, किसी से आप पूछने जाएंगे ऑब्वियसली कोई आपको बताएगा नहीं, कोई काम कोई किसी को बताता नहीं है कि वो किस तरह काम कर रहा है, यू नो इट्स टॉप सीक्रेट बिजनेस, ये टॉप सीक्रेट होते हैं। सो हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से जो है आप गाड़ी मंगा सकते हैं, ड्यूटी पे करें, फैसिलिटीज पे और चलाएँ उसको आराम मजे लें। सो स्टार्टिंग करते हैं कि गाड़ी चूज़ करना। बेसिकली पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जापान जाएँ, और मोस्टली सारी गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो जापान से आ रही हैं, ठीक है। वन मोर थिंग इज़ के अगर आपको कोई कह रहा है, अगर आप किसी ले रहे हैं, ठीक है, अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑल एक्स है, पाक्स बील है और शोरूम है, ठीक है, वहाँ से ले रहे हैं, तो आप मे बी समटाइम्स वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास जो इनकी जो गाड़ी की डेटा शीट थी वो हमने जो है हमसे खो गई है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। वो खो नहीं सकती, वो खुमाई जाती है, वो अलग बात है। रीज़न बिहाइंड दैट के डेटा शीट में गाड़ी का प्रॉपर जो आप जब ऑप्शन से कोई गाड़ी लेता है और जब यहाँ पे इंपोर्ट होती है तो वो उसकी डेटा शीट पे आती है, ठीक है, आप ग्रेडिंग कह सकते हो उसको, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है। सो उसमें एक्सीडेंट्स गाड़ी के बताया हुआ होता है कि गाड़ी एक्सीडेंट है, वेदर इट इज़ एक्सीडेंट और नॉट, ठीक है, रिपेंट है, उसमें क्या क्या मिसिंग है, सब कुछ उसकी डिटेल सारी उस डेटा शीट में होती है। सो समटाइम्स शोरूम वाले ये करते हैं कि आपको डेटा शीट वो नहीं बोलते, कहते हैं कि घूम रही है या मिली नहीं या चोरी हो गई या कुछ, ठीक है। सो उससे बचने के लिए खुद से गाड़ी इंपोर्ट करें और आपको सस्ती पड़ेगी, मार्केट प्राइस है। और यहाँ पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, आप जो है वो मंगा सकते हैं गाड़ी अपनी जो है वो घर बैठे बैठे, पे करना पड़ता है सारी इनको, यहाँ पे उनके ऑफिस खुले हुए हैं, SBD जापान में भी आपने नाम सुना हुआ हो, वोट्स पर देखे हुए हों, उनके ऑफिस बाकायदा यहाँ पर हैं, उनसे आप गाड़ी जो है वो वेबसाइट से पिक करें जो आपको पसंद आती है, फर्दर आप उनकी क्वेरी डाल दें, ठीक है, बिडिंग सिस्टम होता है, ऑप्शंस होते हैं, आप क्वेरी डालें, आपको जो है वो गाड़ी जो है SBD वाले मोस्टली जो है दे कॉन्टैक्ट बाय देमसेल्फ, ठीक है, फिर आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको कहेंगे कि थ्रू विजिट ऑफिस, और फिर वहाँ पे सारी डिटेल डिस्कस होती हैं कि हाउ यू विल मतलब कैसे पे करेंगे आप, किस तरह से उनकी ड्यूटी होगी, क्या फ्रेट चार्जेस होंगे, वो आपको इवन सब कुछ करा के भी आप घर पे गाड़ी दे जाते हैं, और वो भी इवन जब यहाँ से गाड़ियाँ मिल रही हैं वहाँ से उनकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है अगर आप SBD के थ्रू जैपनीज गाड़ी को लेते हैं। वाई एम सेविंग जैपनीज बिकॉज वो जो है लाइक वो जापान से इम्पोर्ट हुई होती हैं, जापान मेड होती हैं, 660cc होती हैं, उसमें जो है वो जो ड्राइव, मेरे पास खुद जैपनीज गाड़ी है एंड आई जस्ट लविंग इट, द रीज़न बिहाइंड इट कि मतलब वो कम्फर्टेबल है, और हाँ मसले होते हैं, पार्ट्स के इशू हैं, बिल्कुल हैं, पार्ट्स यहाँ से आसानी से नहीं मिलते, उसके लिए आपको कराची जो है शीशा मार्केट वहाँ पर जाना पड़ता है, और पार्ट्स सारे उनके बहुत अच्छे खासे महंगे होते हैं, बट महंगे होते हैं डजेंट मीन्स कि यार गाड़ी ना लो और जैपनीज गाड़ी ना लो ख़राब हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह उसको यूज़ कर रहे हैं, किस तरह उसको आप चला रहे हैं, सब कुछ डिपेंड आप पे करता है, ये नहीं कि रफ ड्राइविंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो डेली यूज़ के लिए बिल्कुल है, एवरेज का बहुत कंसप्शन बहुत अच्छा है, एवरेज जो है आप लीटर जो है वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपका जो पाँव एक्सीटर पर किस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है, आप 40 पे स्पीड पे जा रहे हैं वो आपको शो कर रहे होंगे कि हाँ ये गाड़ी जो है ये 1 किलोमीटर में जो 1 लीटर में आपकी 20 किलोमीटर चलेगी, 17 किलोमीटर चलेगी या 18 किलोमीटर चलेगी, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन आप किस तरह उसको गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है।
एंड थिंग इज कि उनकी पेट्रोल लेवल बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त ड्राइव है उनकी, उनके 650 सीसी होती हैं। इनमें सबसे टॉप जो जा रही है वो जा रही है डायहत्सू मीरा, वो मतलब टॉप क्लास में जा रही है। वो यहाँ पे आपको जो है वो पड़ती है अराउंड 11 to 13 lakh तक जा रही है, 14 तक भी जा रही है, डिपेंड्स अपॉन दी मॉडल और सारी फंक्शंस वगैरह, ठीक है। और जैपनीज़ गाड़ी जो हैं वो आप कह सकते हैं कीलेस एंट्रीज होती हैं उनके, जो हैं आप दूसरे फंक्शंस होते हैं बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, इजी टू ड्राइव होती है। और कोई भी चाहत नहीं कि मतलब आप कोई इस बेटर कि आप जैपनीज़ गाड़ी ले लें इंस्टेड कि आप अगर 12 lakh की सुजुकी ले कटस ले रहे हैं न्यू, तो वो डब्बा गाड़ी उसको इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। अगर आपको इतना ही शौक है छोटी गाड़ी लेने का तो इस बेटर कि आप जैपनीज़ गाड़ी लें। रीज़न फाइंड दैट इस की जैपनीज़ गाड़ी जो है वो कम्फर्टेबल होती हैं, ठीक है। उनका ये नहीं होता कि आप 2 मिनट चलाएंगे एसी और वो गाड़ी गर्म हो जाएगी और आपको फिर गैस की रुक गई, सुजुकी इतना नहीं है वो, ठीक है। और वो जो है वो इजी टू ड्राइव होती हैं, और उसके बाद आपका जो है उसकी मेंटेनेंस जो है क्वाइट थोड़ी सी इट्स लाइक एक्सपेंसिव, बट ये नहीं कि डेली का वो एक्सपेंस आपको जो है वो दे रही है, डेली के खर्चे कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एहतियात करना पड़ता है, सेंसर्स होते हैं गाड़ी में। उसके बाद आपका मैं आपको दिखाऊंगा कि SBD जापान से जो आप गाड़ी जो है वो किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि आप गाड़ी सारे ऑनलाइन जाएँ और SBD जापान से ऑर्डर करें, आप सारे को खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और आप जो है वहाँ से खुद गाड़ी अपनी पसंद की गाड़ी अपने पसंद के कलर अपने पसंद के मॉडल जो है इम्पोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शन है बेसिकली वो ये है कि आप जो है वो 5 साल से कम गाड़ी जो है पुरानी गाड़ी जो आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज़ जो फ्रेट चार्जेस होते हैं जो जापान से बाय कंटेनर जो है वो बाई सी जो है वो कराची पोर्ट आती है, ठीक है। कराची पाकिस्तान में जो वर्किंग पोर्ट आप कह सकते हो, ठीक है, कराची पोर्ट आती है। कराची पोर्ट के बाद फ्रेट चार्जेस होते हैं, फ्रेट चार्जेस मीन्स के आपका जो आने जाने का जो खर्चा है ना बेसिकली, मतलब वो गाड़ी का आप कह सकते हो कि ट्रैवल चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, वो फ्रेट चार्जेस होते हैं। उसके बाद जो है आपका ड्यूटी चार्जेस होते हैं कि ड्यूटी बेसिकली ड्यूटी जो है वो 2 तरीकों से लगी जाती है गाड़ी के ऊपर। एक तो गाड़ी की कौन सी गाड़ी है उसे देख के लगी जाती है, उसके बाद CC। सो बेसिकली द ड्यूटी ऑफ जो गाड़ी की है वो डिपेंड करती है CC पे कि कितनी CC वो गाड़ी है, 660 CC, 1000 CC, 2000 CC, 1500 CC, और ये रेट जो है ड्यूटी के बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक सबसे टॉप जो आप जैसे सपोज V8 जो है लैंड क्रूजर V8 जो है वो उसकी ड्यूटी अराउंड जो है 35 to 40 lakh लगती है, जी बिल्कुल 35 to 40 lakh उसकी ड्यूटी से लगती है। फ्रेट चार्जेस अलग हैं, बाकी दूसरे चार्जेस अलग हैं। सो इसलिए गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। वन मोर थिंग इज के जो 1000 CC की जो ड्यूटी जो है उस 1000 CC की ड्यूटी है इट्स अराउंड फ्रेट चार्जेस और ड्यूटी मिला के इट्स अराउंड 4,50,000 समथिंग, ठीक है, 1000 CC की ड्यूटी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि SBD से आप किस तरह से जो है वो गाड़ी देखें। SBD जापान बेसिकली क्या है आपको मैं बताता हूँ कि मतलब वहाँ से आप किस तरह गाड़ी, और भी सारे प्लेटफॉर्म हैं, मैं तो SBD का नाम ले रहा हूँ, बाकी और सारे प्लेटफॉर्म भी हैं वहाँ से आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं। और सारे जैसे यहाँ पे मतलब ये गाड़ी जो होती हैं वो ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। जापान में ये चलें इट्स नॉट लाइक कि न्यू होती है कोई, आपको मतलब ब्रांड न्यू तो होती नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग आप ये याद रखिए, गाड़ी ब्रांड न्यू नहीं होती, यूज़ होती हैं, रिफर्ब होती हैं, रिबिल्कुल होती हैं, कलर्ड होती हैं। यहाँ पे कलर्ड कुछ शोरूम वाले शोरूम आपको शावर कलर्ड भी करके देते हैं, और मोस्टली शोरूम वाले जो हैं वो ये करते हैं कि वो टूटी टुकाई जो एक्सीडेंट गाड़ी होती है वो यहाँ पे ले आते हैं और उनको जो फिर वो क्या कहते हैं और वो उस गाड़ी को यहाँ पे बना के और वो सेल आउट करते हैं, क्योंकि वो जो टूटी हुई गाड़ी होती है इस ऑब्वियस कि वो जो है सस्ती पड़ेगी और वो यहाँ पे आके जब बना लेंगे तो मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये गाड़ी बनी हुई है या नहीं बनी हुई, जितने भी जीते हो जितने भी मैकेनिक्स को ले जाएँ, ठीक है, किसी को पता नहीं चलता। ऐसे ऐसे मैकेनिक हैं कि वो गाड़ी बना भी लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई गाड़ी बनी भी हुई है या ना बनी हुई है। सो इट्स बेटर कि आप जो हैं वो गाड़ी लें अपनी खुद से और ख़ुद इम्पोर्ट करें, आपको कम प्राइस में पड़ेगी, बिल्कुल फीजेबल प्राइस होगा आपका, आपके पैसे बचेंगे, 2-2.5 lakh का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद
एटलीस्ट आप एक शोर से एक सेफ साइड होते हो कि यार ये मैं जो गाड़ी ले रहा हूँ वो बेसिकली ठुकी ठगाई नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर गाड़ी है, ये जेन्युइन गाड़ी है। इट्स नॉट लाइक इसमें कंप्यूटर जैपनीज नहीं है, असल में ऑटोमेटिक गाड़ियों का मोस्टली जैपनीज गाड़ी होती है, मतलब होती हैं ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है, कोई मैनुअल तो मंगाते ही नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक का ज़माना है। तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जो है उसमें जो है वो सेंसर्स का जो है वो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ गाड़ियों के सेंसर जो ऑटोमेटिक में जो आ रहे हैं वो जैपनीज गाड़ी में बोनट्स में आ रहे हैं, तो बोनट्स की सेंसर्स में जो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है सर्विस कराने वगैरह में, क्योंकि सर्विस कराएंगे पानी जाएगा सेंसर खराब और कंप्यूटर का इशू, और फिर वो कंप्यूटर जो है वो आपको वैसे मिलेंगे भी नहीं, मिलेंगे भी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे, 50,000 से ऊपर उसकी कॉस्ट होती है मिनिमम। उसके बाद आपका जो है कुछ गाड़ी उसमें आ रहे हैं डैशबोर्ड में अभी आ रहे हैं सेंसर्स, और कुछ जैपनीज गाड़ियाँ फोर व्हील ड्राइव भी आ रही हैं अभी, जैसे न्यू मीरा लॉन्च हुई है वो है बेसिकली फोर व्हील ड्राइव, अभी तक पाकिस्तान में आई नहीं है, वो रिसेंटली लॉन्च हुई है, वो मीरा का जो शेप जो है वो चेंज हुआ है, थोड़ा बड़ा हो गया है, लाइट्स थोड़ी चेंज हो गई हैं, फोर व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक है, 660 cc, और क्या चाहिए आपको, फास्ट रनिंग गाड़ी है, और मीरा सबसे ज़्यादा फास्ट रनिंग फास्ट गाड़ी है, 660 cc, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से SBD वर्क करता है, मतलब SBD और दूसरे प्लेटफॉर्म्स किस तरह से वर्क करते हैं, मैं आपको सारे डिटेल बताता हूँ, और अच्छी ये मेरा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल पाकी वी लॉग, आप फेसबुक पे जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे पाकी वी लॉग तो आपको चैनल दिख जाएगा फर्स्ट, पाकी वी लॉग नहीं भी दिख रहा तो आप फिल्टर में जाके चैनल्स पे क्लिक करेंगे, चैनल्स यहाँ पे है, ठीक है, तो आपको पाकी वी लॉग आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि आपको दूसरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उस पर आप सबसे पहले देख सकें और देख सकें और आपको इन्फॉर्मेशन दूसरी मिलती जाए, और ये घंटी का बटन भी जो है वो ज़रूर दबाइएगा, इस इज़ लाइक के जो है ना आपका जो है बेसिकली क्या होता है, इस घंटी से आपको जो जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी बाकी व्लॉग के चैनल पे आपको वो सबसे पहले दिख जाएगी। अब हम खोलते हैं गूगल, गूगल पर हमने लिख दिया SBT जापान, गूगल पे जब हमने लिखा है कि SBT जापान, बेसिकली SBT जापान में बार बार वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कंपनी का नेम, क्योंकि ये जो है मतलब जो लोग अपनी खुद से गाड़ियाँ मंगा रहे हैं वो इसके थ्रू मंगा रहे हैं SBT जापान के थ्रू, ठीक है, मैं स्क्रीन को सही कर दूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आ जाए, SBT जापान, इसको आपने जब ओपन किया ये वेबसाइट खुल गई, उसके बाद इसमें सारा दिया हुआ है, ठीक है, इस पर भी इस पर ऑलरेडी नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कोई भी आप जो है वो फेक कॉल्स वगैरह से जो SBT के थ्रू वो नाम यूज़ करके कहते हैं कि आपकी गाड़ी जो है आपने बोली थी आप काइंडली पैसे ट्रांसफ़र कर दें आपकी गाड़ी हो जाए, तो इससे आप बचें, ठीक है, नोटिफिकेशन वाली पेज पे डाला हुआ है, इस पर इसके थ्रू आप जो है वो सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बाइक्स भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक से एक बाइक इनके पास होती है और ऑलरेडी शिप व्हीकल्स ऑन द पाकिस्तान, आप पढ़ सकते हैं सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं तो सारे ब्रांड्स के इस पर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारी गाड़ियाँ हैं, और SBT पाकिस्तान में हम दबा देते हैं क्लिक, SBT पाकिस्तान में ये वो गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और वो खुद से इंपोर्ट की हुई हैं लोगों को डायरेक्ट लेने के लिए, ठीक है, ये सारी वो वाली गाड़ियाँ होती हैं। तो उसके बाद जो है हम जो है वो नीचे जाते हैं, टोयोटा बेस है, टोयोटा एक्वा है, डायरेक्ट टू मीरा है, टोयोटा पासो है, होंडा वीजल है, वो सारी गाड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप ये देख सकते हैं कि जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये खोली है यूज़ का एज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो वीजल है आप देख रहे हैं होंडा वीजल, इसकी यहाँ पे प्राइस पड़ रही है अराउंड 18,000-15,000 dollars की, ठीक है, विच इज़ अराउंड पाकिस्तानी कितने हुए पाकिस्तानी, इट्स अराउंड आई गेस 16-70 lakh, और यहाँ पे होंडा वीजल कितने की मिल रही है,
सबसे कम जो लो फंक्शंस वाली जो है वो सबसे जो है थकी भी आप कह सकते हो, वो भी आपको 32-34 से कम की नहीं मिल रही, ठीक है। और यहाँ पे कितने की पड़ रही है, 15-16 लाख की। तो ये जो प्राइस हैं वो हैं बेसिकली ये होंडा में प्राइस हैं। ये जो प्राइस जो बताया इसमें लिखी हुई, ये जापान में आप ख़रीदेंगे तो उसकी प्राइस है, और जब आप इंपोर्ट करेंगे फ्रेट चार्जेस लगेंगे तो इसकी प्राइस जो है वो डायरेक्टली शूट अप करती है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि डबल हो जाती है, ठीक है। 15K 30 हो जाते हैं, समटाइम्स 29-28, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन दी ड्यूटी चार्जेस, फ्रेट चार्जेस। बेसिकली जो फ्रेट जो ड्यूटी चार्जेस होते हैं वो भी जो है वो उसके ऊपर लगते हैं, आपके क्या कहते हैं मॉडल्स के ऊपर लगते हैं कि कौन से एयर का मॉडल है, कितने सीसी है, उसके बाद आपके जो हैं, तो फिर जो है हम देखते हैं कि बीरा जो है वो गाड़ी जो यहाँ पे 12-13 लाख रुपए की पड़ती है, वो जापान से आप अगर मंगाते हो तो कितने की पड़ती है। ये पासो हमने खोल दी, ये डहरचू मीरा है गेरी, ठीक है। आप देख के शॉक हो जाएंगे कि इतनी सस्ती गाड़ी थी, बिल्कुल इतनी सस्ती ही पड़ती है वहाँ से। इट्स फॉर JYP 36,000, ठीक है, जैपनीज येन जो कहते हैं आप उसे, तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें कि जैपनीज येन टू PKR, ठीक है। ये खुल गया, उसके बाद हम आप यहाँ पे लिखेंगे कि कितने थे, वो 36,000 थे, तो 36,000 लिखते हैं और देखते हैं कि वो उसकी क्या प्राइस बनती है। तो अब हम इस पे लिखेंगे कि 36,000 जैपनीज है, सॉरी 36,000, ये बन रहे हैं 36,000 समझिए आप, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 36,000, मॉडल प्रोडक्शन ईयर 2009 है, ठीक है। उसके बाद 2009 की सारी मीरा हैं ये। इस पे हम जो हैं वो कर लेते हैं कि भाई आपका जो है प्रोडक्शन एयर में हम आपको ले आते हैं 2015 की, ठीक है। बेसिकली 2000 वैसे भी 2015 की मीरा जो है पाकिस्तान में है ही कम, फिर भी हम देखते हैं कि क्या प्राइस पड़ रही है 36,000। तो इससे अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि कितनी सस्ती यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ती हैं और यहाँ पे आपको कितनी महंगी मिल रही होती हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस के वहाँ पर यहाँ पे ड्यूटी चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद फ्रेट चार्जेस तो खैर इतने नहीं होते, बट ड्यूटी चार्जेस का इशू होता है। ड्यूटी चार्जेस की वजह से जो सारा जो है गाड़ियों की प्राइस जो है वो शूट अप एकदम से डबल हो जाती है, इवन समटाइम्स 200% हो जाती हैं। जैसे बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, लैंड क्रूज़र हो गई, मैं आपको टोयोटा की गाड़ी दिखा देता हूँ कि टोयोटा की गाड़ियों की प्राइस बेसिकली होती क्या है। टोयोटा की गाड़ी के प्राइस जो हैं वो आपके जो हैं टोयोटा पासो 45, मैं आपको ऑप्शंस देख लेते हैं कि टोयोटा का नेम आ गया है यहाँ पे, एक्वा आपको मैं बड़ी गाड़ी को दिखा देता हूँ, बाद में दूसरी गाड़ी देख लेंगे। इसमें जो है वो बड़ी गाड़ी कोई मार्क एक्स कर लें, लैंड क्रूजर प्राडो, लैंड क्रूजर प्राडो। ये तो सारे पुराने मॉडल आ रहे हैं, ये तो हम यहाँ पे इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। ये री प्राडो 2005 का मॉडल, इट इज़ नॉट ऑल्सो कैन नॉट बी इम्पोर्ट, और 2000 इसमें आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ती है, इस तरह आसान से नहीं मिल जाती। मतलब वर्किंग के बाद आप एक अच्छी प्राइस, इवन समटाइम्स ये भी है कि आप जो है वो उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये जो है SBT आपका SBD यूज कार्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो क्या कहते हैं, ये देखें यहाँ पे सब होता है, साइन अप करें इनके साथ। आप कोई भी गाड़ी की क्यूरी, आप हेडसू की मीरा है, ठीक है, आप इसमें आए,
इस पे आप आए सब लिखा हुआ है यहाँ पे, शिपमेंट जो है वो कितनी शिपमेंट लगेगी, ठीक है, इस पे सब कुछ मेंशन है, कंटेनर लिखा हुआ है, ठीक है, आपके जो है इसमें सारे चार्जेस हैं, कॉस्ट है, गाड़ी की सारी पिक्चर्स हैं, फ्रंट से लेके इंटीरियर तक की सारी पिक्चर्स जो है गाड़ी में आपको नज़र आ जाएंगी, इसमें सारी अवेलेबल होती है, देख लें, ठीक है, गाड़ी की कंडीशन क्या है, फिर आप इनसे डील करेंगे SBT वालों से कि उनको कॉल करके भाई ये वाली गाड़ी हमें चाहिए, तो आप बता देंगे इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, बार्गेनिंग भी होती है इस पर, ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक ये फिक्स प्राइस है, जस्ट बिल्कुल बार्गेनिंग होती है इस पर, और उसके अलावा आपको सारी पिक्चर्स उसमें दिखाई जाएगी गाड़ी की, क्या क्या पिक्चर्स हैं, किस तरह की मॉडल्स हैं, क्या है, तो आपको सारा पूरा इसमें डिटेल होगी और उस हिसाब से आप वो गाड़ी ख़रीद सकते हैं और इम्पोर्ट कर सकते हैं। ये है मिनी कूपर, ठीक है, 370। और ये जो होती हैं ये गाड़ियों की ऑक्शन शीट्स होती हैं, जिस पे पता चलता है कि गाड़ी की क्या कंडीशन में ली गई है, क्या एक्सीडेंट है नहीं है, क्या मिसिंग है, सब कुछ इसमें डिस्क्राइब होता है, ठीक है। जिस शीट की मैं बात कर रहा था ऑक्शन शीट्स, तो ऑक्शन शीट्स बेसिकली होती है जब आप ये गाड़ी को कोई बाई करते हैं, जापान से कोई भी बाई करता है तो उसको ऑक्शन शीट उस गाड़ी के साथ दी जाती है, और तो उसी बेसिस पे जो है वो DTP चार्ज वगैरह होती है, ठीक है, और उस पर सब कुछ डिफाइंड होता है कि कौन सा मॉडल है, कौन सी रजिस्ट्रेशन है, कहाँ की मेड है, क्या मिसिंग है, क्या कंडीशन थी गाड़ी की जब ऑक्शन से ली गई, जिस तरह से ये गाड़ी है, ठीक है, आपको मैं फुल इमेज करके दिखा देता हूँ। ऑक्शन शीट जो है वो ये है, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसमें लोड नहीं हो रही है अभी तक, अभी देखिए ये ऑक्शन शीट है, ठीक है, ठीक है, इस पर आपको दिखाया गया है कि ये गाड़ी का मैप है, ये देखें सर, जैपनीज़ में लिखी हुई है, ठीक है, उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। ये जो है आपका ओवरऑल ग्रेड है गाड़ी का कि किस ग्रेड की गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी का जो है वो सारा मैप है, पूरा डिफाइंड है, टू व्हील्स बीच में आपकी गाड़ी, आप कह सकते हैं 2D मैप है ये, ठीक है। उसके बाद और इंस्पेक्टर्स की कमेंट है जो इस गाड़ी, मतलब जो गाड़ी जब ऑक्शन में आती है और जब सेल आउट होती है तो इंस्पेक्शन जो होते हैं उस गाड़ी के, इंस्पेक्शन होता है और उसके कमेंट्स लिखे हुए होते हैं यहाँ पे, ये जो बॉक्स है उसके बाद यहाँ पे जो है वो सेल्स ब्लाइंड होते हैं जो बायर रिटन इन बायर सेलर, ठीक है। उसके बाद आपका इंटीरियर का ग्रेड भी होता है, गाड़ी का ओवरऑल ग्रेड भी होता है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी की जो है वो मॉडल होता है, गाड़ी का नंबर होता है, गाड़ी के पॉइंट्स कितने हैं उसमें से, आपका गाड़ी के चेसिस नंबर, गाड़ी का इंजन नंबर, सब कुछ इसमें डिफाइन होता है, ठीक है।